हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे या ऐसे टॉपिक देखेंगे जिनमें एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा है, चाहे एनटीए पेपर कराए चाहे सीबीएसई पेपर कराए, तो ये सब बोलते हैं कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर से पूछे जाते हैं। तो हमने इसके लिए काफ़ी एनालिसिस किया है और हमने ऐसे कुछ चैप्टर देखे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जहाँ से आपको नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, एक टॉपिक है कॉमन ह्यूमन डिजीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, इसका PDF हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसमें पहले कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, कॉन्टामिनेशन, इन्फेस्टेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद है कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसी डिसीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है या फिर स्प्रेड हो जाती है। तो ये सब डिसीज़ यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि वायरल डिसीज़ इसमें दी हुई है, इन्फ्लुएंजा। इसके बाद इसमें दिया है स्मॉल पॉक्स, देन इसके बाद इसमें चिकन पॉक्स, मिजल्स, इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है, मम्स, रेबीज, हिपेटाइटिस, एड्स, येलो फीवर डेंगू, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको सब पढ़ना है। इसके बाद है इसमें बैक्टीरियल डिसीज़, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, तो इन डिसीज़ के बारे में आपको पूरी एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देन इसके बाद है निमोनिया, प्लेग, टिटनस, तो इस तरह से आपको ये सब पढ़ना है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है डायरियल डिसीज़, यानी कि डायरिया के लिए कौन कौन सी डिसीज़ में होती हैं। इसके बाद है इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, प्रोटोजोअन डिसीज़, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। इसके बाद है इसमें काला आजार, फाइलेरिसिस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि ऐसी डिसीज़ जो कि स्प्रेड नहीं होती है, तो ये सब डिसीज़ भी आपको देखनी है। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर से कौन कौन सी संबंधित डिसीज़ हैं। इसके बाद है इसमें स्ट्रोक, ये सब वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हैं। देन इसके बाद कैंसर इसमें पूरा दिया हुआ है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़, यानी कि कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर काम को रोज करने से हो जाती है, तो इसमें दी है, जैसे कि एबेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एंड लास्ट में इसमें सम अदर एनिमल डिसीज़ भी दी हुई हैं जिनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पूरा PDF पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले कई सालों का एनालिसिस किया है जिसमें हमने देखा है कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT पूछे जाते हैं। तो आपको ये PDF ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस PDF को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आगे कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।